अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। दिस इज़ मामा इन मिडिल ईस्ट। मैं प्रीवियस व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करूँगी। हमने विज़िट किया था मॉल ऑफ एमिरेट्स और यहाँ हम आए थे मेनली स्की दुबई के लिए। इस मॉल की ओनली अट्रैक्शन स्की दुबई ही है और मेनली हम लोग यहाँ आए थे अरहम के लिए, बिकॉज़ अरहम ने कभी भी स्नो एक्सपीरियंस नहीं की अपनी लाइफ में। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऑफकोर्स पहले बहुत दफ़ा स्नो एक्सपीरियंस किया हुआ है, पर अरहम ने कभी नहीं किया था। सो अरहम के लिए राइट टाइम था कि हम उसे ये एक्सपीरियंस करवाएं। और यहाँ हमने सबसे पहले अपने टिकट्स बुक करवाए और हमने परचेज़ किए ग्लव्स। इसके बाद हमें पूरा स्नो का सूट एंड बूट्स एंड हेलमेट्स फॉर किड्स, ये हमें उन्होंने ही प्रोवाइड किया था। और एंटर होते ही सबसे खूबसूरत चीज़ थी दीज पेंगुइंस। और यहाँ पे टाइमिंग्स हैं कुछ, और उन टाइमिंग्स पे पेंगुइन का एक शो होता है। हम जब अंदर एंटर हुए तो तब ऑलमोस्ट शो ख़त्म हो चुका था, बट स्टिल हमें पेंगुइंस देखने को मिले। अरहम वॉज द हैप्पीएस्ट। मुझे लगा एक्वेरियम इज़ द बेस्ट एंड फेवरेट थिंग अरहम के लिए, लेकिन स्नो में सिर्फ यहाँ एंटर होने की देर थी और ट्रस्ट मी अरहम को बाहर लाना मुश्किल हो गया था। पता नहीं मैंने कौन कौन से एक्सक्यूज़ किए, क्या क्या बहाने किए इसको लाने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरहम ने बहुत इन्जॉय किया और ये हमारे लिए इनफ था। अच्छा, मैं पर्सनली मेरी स्नो से सर्दी से मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, विंटर्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और ऐसा भी हुआ है कि सर्दी से मैं बकायदा रोती थी मुझे इतनी बुरी लगती है सर्दी। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि अरहम ने अपने ग्लव्स जो हैं वो ऑफकोर्स अरहम तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, और अरहम ने अपने सारे ग्लव्स जो है वो स्नो में जो है ना वेट कर दिए थे। सो मैंने अपने ग्लव्स उतार के अरहम को पहनाए, और उसके बाद जो मेरा हाल हुआ, लिटरली मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो फिंगर्स हैं ये अभी टूट के गिर जाएगी, इस कदर अंदर जो है सर्दी थी। मैंने स्नो वैसे एक्सपीरियंस की हुई है, लिटरली इतनी सर्दी तो रियल स्नो में भी नहीं होती जितनी इधर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का एक्सपीरियंस रहा। अरहम की खुशी देख के हम लोगों का लिटरली ये दुबई का विज़िट जो है ना कहते हैं ना वसूल हो गया था। और बहुत अरहम जो है एक्टिव रहा, उसने सारे जो है राइड्स एक्सपीरियंस किए, उसने सारी एक्टिविटीज़ की और बहुत खुशी खुशी की। तो ये प्लेस तो मस्ट विज़िट है, और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो तो इसे बहुत इन्जॉय करेंगे। मैं और अरहम हम दोनों ने अपना यहाँ टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड किया, हमने बहुत इन्जॉय किया। इलाफ हमारे साथ नहीं थी, ना ही मेरे हस्बैंड थे, बिकॉज इलाफ अलाउ नहीं थी। सो वो अपने बाबा के पास थी और अरहम और मैं साथ यहाँ थे, और हमने बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज़ बनाई साथ में। लेटर द नाइट हम होटल आ गए, इतनी अब हिम्मत नहीं थी कि मैं मॉल में ही डाइन इन करती। सो हम बस होटल आए और मैंने ऑर्डर किया अपने लिए हमूस ब्रदर, इनके बाउल्स इतने मज़े के होते हैं, फेवरेट कॉम्बिनेशंस हैं इसके अंदर मेरे, और फेवरेट फूड, मतलब मुझे ये बाउल आप फॉर लाइफ टाइम डे नाइट दे दें मैं खाने को तैयार हूँ। इसके अंदर वी हैव कैश्यू चिकन टिक्का पीसेस थे, मैंगो एंड हमूस थी, पेस्टो हमूस थी, और इसमें केल थी, गोभी थी इसके अंदर, पर इतने मज़े का ये कॉम्बिनेशन था। साथ में इसकी ड्रेसिंग भी थी बहुत ज़बरदस्त सी। तो अगर आप दुबई में हो और अगर पॉसिबल है तो हमूस ब्रदर के ये बाउल्स ज़रूर ऑर्डर करें, ये बहुत मज़े का होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग। हमारी थर्ड मॉर्निंग और मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट के लिए। अच्छा, मैं होटल रूम में पहले ही इलाफ को ब्रेकफास्ट करा दिया करती थी और फिर हम आते थे अपने ब्रेकफास्ट के लिए।
सो दिस डे हमने चेकआउट करना था और हमने निकलना था टू अबू धाबी. वहाँ हमारी ऑलरेडी बुकिंग हुई भी थी एंड मुझे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी थी दिस डे. और मैं पर्टिकुलरली जो हूँ ग्लोबल विलेज की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मैं जब भी दुबई आती हूँ मैं लिटरली पूरा एक दिन ग्लोबल विलेज में ज़रूर स्पेंड करती हूँ. और इट्स अ होल पैकेज. वहाँ आपको हर तरह की हर चीज़ मिल जाती है, राइड से लेके, अच्छे फूड से लेके, शॉपिंग से लेके, एवरीथिंग, एंटरटेनमेंट से लेके. वहाँ शोज़ होते रहते हैं. सो बट अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम ऑफ द ईयर ग्लोबल विलेज बंद होता है, जो कि मुझे सीरियसली पता भी नहीं था. एनीवेज चलें, नेक्स्ट टाइम ही सही. मैं आ चुकी हूँ अबू धाबी और यहाँ हमारा विज़िट कैसा रहता है, स्टे कैसा रहता है, ये सब नेक्स्ट व्लॉग में आप ज़रूर देखेंगे. तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी करें. अल्लाह हाफिज़.